हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक विज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, दूसरा था परमाणु संरचना, तीसरा था रेडियोधर्मिता। अब बात करने वाले हम लोग 4th नंबर के चैप्टर की, समस्थानिक, संभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। ठीक, आपको बता दें कि ये सभी लेक्चर एक ही जगह डालता जा रहा हूँ, वो है आपकी अपनी प्लेलिस्ट सूची में, जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, समस्थानिक। ठीक, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक हों किंतु परमाणु संख्या क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? संभारिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्याएं दोनों भिन्न भिन्न हों किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। ठीक, ऐसे नाभिक जिन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एक 36 × 10⁶ तथा 37 रूबीडियम की पावर 87 क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, सम न्यूट्रॉनिक। 6 कार्बन की पावर 14, 7 नाइट्रोजन की पावर 15, 8 ऑक्सीजन की पावर 16 समूह कौन सा है? तो याद रखना, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, याद रखिए। फिर 3 लिथियम, बेरिलियम की पावर 8 क्या कहलाते हैं? आइसोटोन। 15 फास्फोरस की पावर 31, 14 सिलिकॉन 30 क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो याद रखना, फ्लोरीन। ठीक, फिर बात करते हैं आगे। आर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम क्या है? तो याद रखना, संभारिक। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना, न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या है? तो वह नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही हो होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आगे, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो याद रखना, न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या में। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या कितनी होती है? तो याद रखना, 3। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। 8 ऑक्सीजन की पावर 16, फिर 8 ऑक्सीजन की पावर 16, 17 ऑक्सीजन 18 को क्या कहते हैं? तो याद रखना, समस्थानिक। ठीक है, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन की पावर 35 क्या है? समस्थानिक। इनके स्थान तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में किस किस समस्थानिक पाए जाते हैं? पोलिनियम के। ठीक है, कितने पोलिनियम के कितने समस्थानिक हैं? 27।
कितने 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र में रक्त के धक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना सोडियम। 24। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है कौन सा? कोबाल्ट 60। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? सीसा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग पांचवें चैप्टर में। अम्ल, क्षार या भस्म और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण।